हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। क्या फ्रेंड्स, आप भी परेशान हैं अपनी छाती और गले में जमे हुए बलगम की वजह से? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिसका यूज करने के बाद आपका जितना भी बलगम है, जितना भी कफ है, वो सारा कफ आपका पिघलाकर बाहर निकाल देगा। और फ्रेंड्स, आज का ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको दमा यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर उनको भी कफ है, बलगम है, तो ये नुस्खा उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सभी को कफ की प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती ही है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप खांसते हैं, आपका कफ निकलता है, तो कभी भी भूल से आप अपने कफ को अंदर दोबारा ना लें, उसको आप बाहर फेंक दें। फ्रेंड्स, इस बात का आप खासकर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दालचीनी की लकड़ी लेनी है। हमारे छाती में जितना भी कफ जमा हुआ है, जितना भी बलगम है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी हमें। फ्रेंड्स, ये दालचीनी की लकड़ी आपको किसी भी किराना स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाएगी। आपको इसकी लकड़ी भी मिल जाएगी और साथ में इसका पाउडर भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इसकी लकड़ी लेनी है, आपको इसका पाउडर नहीं लेना है। आपको इसकी लकड़ी लेनी है और घर पे ही आप शुद्ध इसका पाउडर रेडी करें। बहुत ही ईजी है इसका पाउडर रेडी करना। और फ्रेंड्स, इसका पाउडर अगर आप घर में ही बनाकर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको दुगनी स्पीड से फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका पाउडर बनाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि आप ये दालचीनी की लकड़ी लें और उसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें। जितना महीन हो सके आप उतनी अच्छी तरह से महीन इसको पीस लें। आप क्या करना है आपको फ्रेंड्स, आप एक चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसमें एक चम्मच शहद डालें। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें और शहद डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आप जरूर आजमा के देखें। जब आप इस नुस्खे को आजमाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके छाती का बलगम किस तरह से बाहर निकल के आ रहा है पिघलकर। कितना ही पुराना बलगम क्यों ना हो, वो सभी पिघलकर बाहर निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज और डालनी है, वो है काला नमक। फ्रेंड्स, इसमें हमें काला नमक सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है। आप इसमें दो चुटकी काला नमक आराम से डाल सकते हैं। और अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, आपकी ये होम रेमेडी बन करके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये आपके बलगम को, आपके कफ को जड़ से खत्म करेगा। और फ्रेंड्स, आपको इसका सेवन कब करना है, आप इसको सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद, और रात को खाना खाने के बाद यानी कि सोने से पहले। फ्रेंड्स, आपको इसका दिन में दो बार सेवन करना है, यानी कि दो बार ही इसको यूज करना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप खुद ही इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना ज्यादा ये फायदा कर रहा है। और फ्रेंड्स, एक बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप जब भी इसका सेवन करेंगे तो आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। कुछ भी नहीं का मतलब है कि कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा पानी गर्म करें तभी उसका सेवन करें। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है आपको। और फ्रेंड्स, आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। आपको चावल वगैरह और आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप एक उंगली में थोड़ा सा ले लीजिए और उसको चटाइए। आपको ये दो टाइम करना है, एक सुबह और एक रात को सोते समय। इससे फ्रेंड्स उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी बड़े को देना है तो जैसे कि मैंने ये बनाया है, आपको इसी तरह से बनाना है और उसको एक टाइम सुबह नाश्ते के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले देना है। फ्रेंड्स, आपको ये पहली खुराक से ही बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको बस एक चम्मच दालचीनी का पाउडर, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच शहद और थोड़ा सा काला नमक लेना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके उनको दीजिए। और फ्रेंड्स, आप खुद ही देखिएगा कि ये पहली बार से ही कितना ज़्यादा उनको रिलीफ देगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर, मैजिकल और हेल्पफुल रेमेडी है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। आपके जितना भी कफ है सारा पिघला के बाहर निकाल देगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जब भी कफ आए, जब भी बलगम आपका खांसी के बाद निकले, तो आपको उसको अंदर नहीं लेना है बल्कि उसको थूक देना है, बाहर निकाल देना है। और फ्रेंड्स, जिनको दमा है, अस्थमा है, उनको ये यूज़ कैसे करना है, वो
इस नुस्खे को केवल 30 दिनों तक लेना है, यानी कि एक महीने तक। आप खुद ही देखेंगे कि उसका जितना भी कफ है सारा निकल जाएगा। और फ्रेंड, जिनको कफ होता है यानी कि जुकाम की वजह से जिनको कफ है, उनको ये सिर्फ 8 दिनों तक लेना है। आपका वैसे तो ये 4 दिनों के अंदर ही कफ खत्म कर देगा, लेकिन मैंने 8 दिन इसलिए बोला है क्योंकि फ्रेंड्स 8 दिनों के अंदर अंदर ये कफ के पूरे जड़ को खत्म कर देगा। बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल है, पूरा आपका जड़ से कफ पिघलाकर निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप जरूर यूज करें। ये छोटों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बेस्ट रेमेडी है कफ के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।